अब रुख करते हैं क्लास के एज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस क्लास के कैंपस और जिना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के माबे तालीमी माहिता तय पाने से अहले इलाका में खुशी का समा है। एज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस क्लास के कैंपस और जिना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के दरमियान तालीमी माहिता तय पाने पर सो तदरीस से वाबस्ता आलमी शाहकारों और सहाफियों की बड़ी तादाद ने एंकर पर्सन नईम हफीज को मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर एंकर पर्सन नईम हफीज ने चेयरमैन जिना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आसिफ भट्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में रहकर जिस तालीमी निज़ाम को बारीकबीनी से पढ़ा और समझा है इससे बेहतर निज़ाम मुतारफ करवाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन जिना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आसिफ जट का कहना था कि हम सबको मिलकर मुल्क के नौजवानों की तालीम के लिए काम करना होगा। वो पाकिस्तान को आलमी माशी और माशरती लिहाज से कामयाब देखना चाहते हैं। चेयरमैन जिना इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आसिफ जट का मजीद कहना था कि जिना इंटरनेशनल स्कूल और एज कॉलेजेस क्लास के कैंपस अपने आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार उस्तादा की बदौलत क्वालिटी एजुकेशन फराहम करने के साथ साथ नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को भी संवारते हैं। एज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एमडी एंकर पर्सन नईम हफीज का मजीद कहना था कि एज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस क्लास के में वाहिद रजिस्टर्ड कॉलेज की नुमाया खसूसियत रखता है। इस मौका पर इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर प्रिंसिपल एज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरात कैंपस जवाद रजा कुंजाही वाइस प्रिंसिपल एंड यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर अब्दुल समद और सीईओ प्राइम स्टार न्यूज हसन भट्ट और एंकर पर्सन अरफान कटाना ने अपनी पूरी टीम और पाक न्यूज की तरफ से एंकर पर्सन नईम हफीज को मुबारकबाद पेश की और तालीमी मैदान में भरपूर तआवुन की यकीन दहानी भी करवाई।